आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र के रोड में होल्डअप कर बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने राहगीरों से दो बाइक, हजारों रुपए की नकदी और मोबाइल लूट लिए। वहीं जब पीड़ितों ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। हाथ और छाती में गोली लगने से दो लोग घायल हो गए, जिनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों युवकों को गोली मारने के बाद बदमाश लूट को अंजाम देकर फरार हो गए। पिछले 8 दिनों में बागपत में रोड होल्डअप की ये तीसरी वारदात है। सिंघावली आहिर थाना क्षेत्र में भी बदमाशों ने लूटपाट के दौरान 3 लोगों को गोली मार दी थी, उसका भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। कहाँ के रहने वाले हो? क्या बात हुई? गोली भी मारी आपको? मारी है जी। अच्छा डर लगा भैया। लूटा क्या है आपसे? 400 रुपए, मोबाइल। मैं चमरौल चांदनी नगर रहने वाला हूँ। चमरौल चांदनी नगर तो बिट्टू नाम है, मेरे पिताजी का नाम श्यामलाल है। तो मैं खेकड़ा पास चल रहे ड्यूटी से आया हूँ। तो मेरे साथ एक बंदा हो रहा था, उससे आगे एक बाइक जा रही हमारे गाँव के युवक उसे लूट रहे वो, तो उसे लूटने चक्कर में बचा लगा। अब मुझे पता नहीं लगा था तमंचा क्या है, मगर पी घर की बाइक की टक्कर लगी हुई थी और तो मेरे बीमार लगे आए क्या। मैंने गोली मार दिया, मारे तो छाती लगा दी, मैंने जैसे हाथ ऐसा करा बचाव के लिए हमको हाथ लगे गोली लगी आ रही है। लूटा भी आपसे? लूटा क्या, चार बाइक लूट रहे, चार भी लेके छीन गए और जी बट में पैसे वैसे 200-500 भी छीन लिए, फोन वोन छीन के ले गए। संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। चालान में कौशल विकास।